वेलकम बैक नाइन्थ क्लास। नाइन्थ क्लास आपका चैप्टर स्टार्ट है सोशलिज्म यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। बच्चों इसका फर्स्ट पार्ट हो चुका है, इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट आप पढ़ चुके हैं। इसको मैं दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ, थोड़ा सा आपको जो है दोबारा से थोड़ा रिवाइज हो जाएगा और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट आपने पढ़ा स्टूडेंट्स फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फर्स्ट चैप्टर में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के से जो भी इन्फ्लुएंस हुए लोग यूरोप के, तो वो पूरा आइडिया जो था इंडिपेंडेंट होने का आइडिया और लोगों में जो सोशलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में फैलता चला गया। लोग जो है फ्रीडमली अपना वर्क करना चाहते थे और ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो कि इक्वली सबको राइट प्राप्त हो सबको, और सबको वोट देने का अधिकार मिले, एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने। इस तरह का सोशलिज्म आइडिया जो था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद में पूरे यूरोप में इंक्रीज होने लग गया। बट इसके बावजूद भी, इस आइडिया के बावजूद भी लोगों में आपस में थोड़े से जो थे आइडियाज़ अलग अलग, अलग अलग ग्रुप बने हुए थे। रशिया की जो सोसाइटी थी वो थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड थी। आपने पढ़ा फर्स्ट में, फर्स्ट पार्ट में कि लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इन थ्री विचारधारा वाले जो लोग थे, थिंकिंग वाले जो लोग थे वो रशिया में उस टाइम पे। कुछ लोग चाहते थे कि गवर्नमेंट पूरी तरह से फ्रीडम, पूरी तरह से पार्लियामेंट्री बने। कुछ लोग चाहते थे कंजर्वेटिव, जो रूढ़िवादी थे वो पुराने जो है स्ट्रक्चर चाहते थे गवर्नमेंट का, और कुछ लोग चाहते थे दोनों का मिक्सअप। इस तरह से हमारी सोसाइटी, रशिया की सोसाइटी डिवाइडेड थी। इससे नेक्स्ट पढ़ेंगे बच्चों कि रशिया की जो रिवॉल्यूशन थी 1917 में जो रिवॉल्यूशन हुई, रशिया रिवॉल्यूशन का जो मेन पार्ट है स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स फरवरी रिवॉल्यूशन एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन 1917। फरवरी रिवॉल्यूशन एंड अक्टूबर रिवॉल्यूशन में जो भी पार्ट जो है इंक्लूड है इस रशिया की रिवॉल्यूशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रशिया के जो है हिस्ट्री का, है ना, यूरोप की हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। पर ये 1970 में जो भी रिवॉल्यूशन हुई रशिया में उसके क्या रीज़न थी, है ना, उस इतना मतलब रिवॉल्यूशन की नौबत क्यों आई, कैसी सोसाइटी थी रशिया की, इसको जानने के लिए स्टूडेंट्स हमें थोड़ा बैक में जाना पड़ेगा, है ना। 1914 का देखते हैं रशियन एम्पायर किस तरह का था 1914 में स्टूडेंट्स। सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन जो थी वहाँ की, पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, कितना ताकतवर था रशिया, रशिया के अंडर में 1914 में रशिया में जार निकोलस सेकंड का राज्य था, वो वहाँ का उस टाइम पे किंग था। उसके किंगडम में जो था रशिया, जो बहुत पावरफुल एक राज्य बन गया था, उसकी पॉलिटिकल कंडीशन स्टूडेंट्स मॉस्को और के अंडर में जो पोलैंड के कुछ पार्ट, एस्टोनिया, मॉस्को के साथ में फिनलैंड एंड अबाउट द पैसिफिक ओशियन तक जो है रशिया का पार्ट फैला हुआ था, एंड सेंट्रल एशिया तक पूरे यूरोप में इतना पार्ट जो है रशिया के अंडर में आता था। इतना बड़ा जो एक स्टेट रशिया बन गया था, जो कि बहुत पावरफुल हो गया था उस टाइम पे। और इसमें धर्म कौन कौन से उस टाइम पे सिक्योरिटी थे स्टूडेंट्स, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक होते हैं स्टूडेंट्स। क्रिश्चियन जो रिलीजन है उसी के डिवाइडेड है, जैसे कि हिंदू रिलीजन में जातिवाद होता है, कोई मुसलमान, कोई ब्राह्मण है, कोई जो है वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, इस तरह से क्रिश्चियंस में प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक होते थे जो कि रशिया में उस टाइम पे स्टे करते थे, है ना। और लेकिन मोर पावरफुल रिलीजन उस टाइम पे रशिया में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी था। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो था वो ज़्यादातर मेजोरिटी में, जो धर्म था मेजोरिटी वाले लोग वहाँ पर रशिया में रहते थे। स्टूडेंट्स देखा आपने, रशिया की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत पावरफुल और बहुत वहाँ का जो पॉलिटिकल कंडीशन थी बहुत पावरफुल थी। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वहाँ की जो आर्थिक व्यवस्था थी स्टूडेंट्स कैसी थी, लोग बागों का ऑक्यूपेशन क्या था, किस तरह से उनकी अर्निंग थी, एंड सोसाइटी किस तरह से डिवाइडेड थी।
85% लोग एग्रीकल्चरल थे स्टूडेंट्स रशिया में 85 जो कि पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा थे। इवन 40% से लेके 45 तक जर्मन फ्रांस में एग्रीकल्चरल थे, बट 85% अर्निंग का जो सोर्स था रशिया में वो एग्रीकल्चर था, मीन्स एग्रीकल्चर करके ही लोग बाग अपनी अर्निंग प्राप्त करते थे। सेकेंड, इंडस्ट्रीज बहुत लिमिटेड थी रशिया में, इंडस्ट्रीज बहुत लिमिटेड थी। पीटर्सबर्ग और मॉस्को में ही ओनली जो थोड़ी बहुत फैक्ट्रीज हुआ करती थी, है ना, पीटर्सबर्ग में मॉस्को में। और रेलवे इंक्रीजिंग होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन के साधन इंक्रीज होने की वजह से थोड़ी बहुत जो इंक्रीमेंट आई थी वहाँ की इंडस्ट्रीज में आई थी, इम्प्रूविंग हुई थी। स्टील की एंड कोल इंडस्ट्रीज में जो है थोड़ी इम्प्रूवमेंट आई, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा, रशिया में लोगों ने अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि इंडस्ट्रीज में इम्प्रूवमेंट है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इतना देखा थोड़ा सा इंडस्ट्रीज की जो जो इंक्रीमेंट थी रेलवे की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से इंक्रीमेंट हुआ। और इसके बाद में जो पीज जो वर्कर्स थे उन पे जो फैक्ट्रीज थी ज़्यादातर रिच पीपल के अंडर में होती थी। स्टूडेंट्स क्या देखा आपने कि जो फैक्ट्रीज थी रशिया में उस टाइम पे, क्योंकि बहुत कम हुआ करती थी पैसा, लोग कम लगाते थे, रिच पीपल के अंडर में हुआ करती थी। रिच पीपल के अंडर में होने के बावजूद भी गवर्नमेंट उन पे पूरा अटेंशन देना चाहती थी, पूरा ध्यान देती थी कि लोगों को, जो निकोलस का राज था उस टाइम पे, जार निकोलस वहाँ पर शासन करता था 1917 में, जो कि जार निकोलस का शासन था, वो ये चाहता था कि मतलब लोगों पे इतना ध्यान दिया जाए कि लोगों को ज़्यादा जो रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़े, फैक्ट्री में ज़्यादा लंबे समय तक उनको काम ना करना पड़े, उनके काम करने के बदले में उनके वेजेस जो हैं पूरी तरह से उन्हें प्राप्त हो, है ना, ये चाहता था वो। इसके बावजूद जब उसने सोचा उसके, लेकिन गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज थी वर्कर्स के हित में, जो भी वो लोग अपनी स्ट्रेटेजी अपनाते थे वो सब फेल हो जाती थी, बिकॉज वर्कर्स जो को 10 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था, उनको ओवरटाइम भी नहीं मिलता था। और इससे दुखी होकर वर्कर्स, जो मेटल इंडस्ट्रीज के जो वर्कर्स हैं वो पूरी तरह स्किल्ड होते थे, है ना, अपना स्किल के उस पर काम करते थे, तो सोसाइटी और अपने स्किल के आधार पर वर्कर्स ने अपनी एक एसोसिएशन बना ली, मेटल के वर्कर्स ने अपनी एक एसोसिएशन बना ली कि जो भी अगर कंपनीज के जो ओनर हैं अगर वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं वर्कर्स का, या उनके प्रति कुछ उनकी वेजेस नहीं देते हैं, उनसे ज़्यादा लंबे समय वर्क कराते हैं, या उनको नौकरी से निकाल देते हैं खड़े खड़े, तो उन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई जिससे कि 1896 से 1902 तक ये एसोसिएशन बहुत मजबूत बन गई। मजबूत होने के कारण इन लोगों ने कई बार फैक्ट्री के मालिक के प्रति स्ट्राइक भी की। अगर कोई मालिक बिना वजह किसी वर्कर को हटा देता था तो उस टाइम पे जो भी स्किल के आधार पर सोसाइटी में वर्कर्स ने अपनी अलग अलग ग्रुप बना लिए थे, वो सब इकट्ठा होके सोसाइटी के ओनर के खिलाफ जो है स्ट्राइक करते थे। स्ट्राइक करने की से उसमें महिलाएं भी शामिल होती थी, पुरुष भी शामिल होती थी, और महिलाएं तो बहुत बड़े लेवल पे फैक्ट्रीज में वर्क करती थी, बट उनके साथ में ये डिस्क्रिमिनेशन था, उनको लो वेजेस प्राप्त होती थी, मैन की अपेक्षा उनको उसी काम के कम पैसे दिए जाते थे वुमेन को, है ना, ये उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन था। बट जब भी स्ट्राइक का टाइम आता था तो मैन वुमेन एंड सब वो लोग आपस में, हर स्किल का पर्सन आपस में जुड़ के मालिक के खिलाफ जो है स्ट्राइक करता था। इस तरह की पोजीशन जो है उस टाइम के रशिया में जो वर्कर्स एजुकेशन जो है बहुत मजबूत होती जा रही थी। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम, अब देखेंगे स्टूडेंट्स सोशलिज्म। इन रशिया में सोशलिज्म स्टूडेंट्स, इसमें देखिए हम कंट्री साइड की बात करें, कंट्री साइड
विलेजेस में, कंट्री साइड में स्टूडेंट्स। अभी तो हमने देखा कि फैक्ट्रीज में जो वर्कर्स की हालत कैसी थी और कैसे उनको जो है वेजेस कम मिलते थे और घंटे ज़्यादा देने पड़ते थे। अब हम जो है विलेजेस की बात करें तो आपने पढ़ा 85% लोग जो थे एग्रीकल्चर में जो इंक्लूड थे, लोग अपनी जो अर्निंग है एग्रीकल्चर से करते थे, तो उनकी पोजीशन कैसी थी स्टूडेंट्स। लैंड थी वो कैसे डिवाइडेड थी, ज़्यादातर जो लैंड ओनर्स थे, लैंड ओनर्स ऑर्थोडॉक्स जो कि फ्रांस में सिचुएशन आपने देखी थी स्टूडेंट्स, चर्च के लोग थे जो रिच पीपल थे, जो पादरी हुआ करते थे, प्रिस्ट हुआ करते थे चर्च वगैरह में, वो ज्यादातर ओनर थे गांव में जमीन के, और मोनार्क थे जो राजशाही थे वो ओनर हुआ करते थे जमीन के, है ना। और जो बड़े बड़े लोग लैंड ओनर्स हैं, रिच पीपल्स हैं, वो लोग नोबिलिटीज हैं, नोबिलिटीज जो थे ये लोग ओनर हुआ करते थे गांव में जमीन के। और जो भी इंटरेस्ट प्राप्त होता था, जो भी फायदा होता था जमीन का, तो इन लोगों के पास ज़्यादा जाता था। और जब काम करने की बारी आती थी, जबकि एग्रीकल्चर करने की जो है मेहनत करने की बारी आती थी, लेबर करने की बारी आती थी, तो पीजेंट हुआ करते थे। तो ज़्यादातर लेबर जो थे, लेबर वर्क जो थे पीजेंट करते थे, है ना, पीजेंट का काम होता। तो इस सिचुएशन से जो थे पीजेंट वहाँ के खफा थे। बट स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसमें, आप बुक में अच्छे से रीड करिएगा, जो रशिया के पीजेंट्स थे वो फ्रांस के पीजेंट जैसे बिल्कुल भी नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि हम लोग इन लोगों के जो ऑर्डर फॉलो करें, नोबिलिटीज के, ऑर्थोडॉक्स के, एंड जो मोनार्क सिस्टम वाले जो राजशाही लोग थे उनके ऑर्डर को वो फॉलो करना बिल्कुल नहीं चाहते थे, उनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे। और वो चाहते थे कि जितनी भी लैंड है विलेजेस की, जितनी लैंड है पीजेंट्स के बीच में जो है इक्वली डिवाइडेड हो जाए, और इक्वली डिवाइडेड होने के बाद जो भी इंटरेस्ट मिले सभी पीजेंट को बराबर का मिले, और ये जो पूरे ओनर जो हैं बड़े रिच पीपल ना रहें। तो इतने वो लोग, इन्होंने अपनी पार्टी भी बना दी थी और अपने उन्होंने अपनी नीतियां बना ली थी, पीजेंट ने गांवों में अपनी नीतियों के ऊपर चल के रही वो वर्क करते थे, और कई बार तो वो स्ट्राइक कर देते थे और वर्क करने से बिल्कुल मना कर देते थे। इवन 1902 में तो एक लैंड लोनर ओनर की, लैंड लॉर्ड्स की, उन लोगों ने हत्या भी कर दी थी अपनी नीति के अकॉर्डिंग। अगर उनके अकॉर्डिंग, पीजेंट के अकॉर्डिंग वर्क नहीं होता था तो वो लोग बिल्कुल मोनार्की सिस्टम या जो नोबिलिटीज थे, लैंड ओनर्स थे, उनके एकदम खिलाफ हो जाते थे। और इस वजह से उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बना ली थी जिसमें कि पीजेंट को जो थी काफ़ी जो उनकी बातें सुनी जाती थी और उनकी नीतियां लागू की जाती थी। और फिर देखेंगे आप बच्चों 1898 से पहले रशिया में जो कोई भी पार्टी, एनी पार्टी डिनाइड की जाती थी, इलीगली जो थी उनको माना जाता था, उनको लीगली कोई बेस नहीं मिलता था, किसी भी पार्टी को बनाने की परमिशन वहां पर नहीं थी 1898 से पहले। बट 1898 में कोई भी पार्टी बनाने का अधिकार नहीं था, इसके बावजूद भी 1898 में रशिया में सोशल डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनी। ये पार्टी बच्चों इन्फ्लुएंस थी कार्ल मार्क्स का आइडिया स्टूडेंट्स आप पढ़ चुके हैं कि कार्ल मार्क्स का क्या आइडिया था कि फैक्ट्री के जितने भी वर्कर्स हैं,
उनमें जो फैक्ट्री का प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइडेड हो परसेंटेज के अकॉर्डिंग, स्किल के अकॉर्डिंग, ना कि उन्हें वेजेस दिए जाए या जितना भी प्रॉफिट प्राप्त हो फैक्ट्री में किसी भी काम का, कोई प्रोडक्शन हो, वो सिर्फ मालिक के पास जाके और कम कम वेजेस वर्कर्स को मिलते हैं वो खत्म हो जाए, है ना, और मोनार्क सिस्टम बिल्कुल पूरा खत्म हो जाए। तो 1898 में कार्ल मार्क्स के आइडिया से इन्फ्लुएंस होके एक सोशल पार्टी बनी और जिसको कि इलीगली ही चलाया गया, उसको इलीगली फोर्स किया गया, चलाया गया, बट सब वर्कर्स इस पार्टी के जरिए इकट्ठे होके गवर्नमेंट की और फैक्ट्रीज की जो भी नीतियाँ थी वो चाहते थे कि राजशाही खत्म हो और एक तरफा शासन जो है, जो पूंजीपति हैं, जो पैसे वाले लोग हैं उनमें, जो फैक्ट्री, जो बड़े बड़े रिच पीपल हैं उनमें फैक्ट्री का पैसा लगा हुआ है, वो सब खत्म हो जाए। तो इलीगली पार्टी बनी बट जो है वर्कर्स ने एक पार्टी बनाई। फिर इसके बाद में स्टूडेंट्स 1900 में एक पार्टी और बनी जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी, रिवोल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स पीजेंट की पार्टी थी, पीजेंट्स ने मिलकर अपनी एक पार्टी बनाई थी 1900 में। पीजेंट्स का ये मानना था जो भी लैंड डिवाइडेड है पूरे जो रिच पीपल के बीच में, मोनार्क के बीच में, ऑर्थोडॉक्स के बीच में, है ना, नोबिलिटी के बीच में, जो कि आपने पहले पढ़ चुके हैं, है ना, ये उनके बीच में जो डिवाइडेड है वो सब लैंड लेके पीजेंट के बीच में बट जानी चाहिए, डिवाइडेड होनी चाहिए, ना कि सिर्फ पीजेंट उस पर वर्क करते रहे और जो रिच पीपल है उसका फायदा उठाते रहे। तो लेकिन इस पार्टी, इस आइडिया को, जो पीजेंट्स का आइडिया था और उन्होंने रिवोल्यूशनरी पार्टी को जो है इस्टेब्लिश किया था रशिया में, इसका अपोज किया, अपोज बाय व्लादिमीर लेनिन, जो कि सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी को लीड कर रहा था, एक थिंकर था व्लादिमीर लेनिन, जो कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का, वर्कर्स पार्टी का लीडर था, है ना, उसने पीजेंट के इस आइडिया को अपोज किया, उसके विरोध में आवाज उठाई, क्योंकि व्लादिमीर लेनिन का मानना था कि गांवों में सभी को, सभी पीजेंट के बीच में लैंड ओनर्स की जमीन डिवाइडेड नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे पीजेंट तो गरीब हैं, कुछ पीजेंट रिच हैं, लैंड ओनर्स भी हैं और बहुत अच्छी अच्छी जमीन उनके पास है, बहुत सारी जमीन उनके पास है, और इस तरह से इक्वली डिवाइडेड पीजेंट के बीच में पूरी जमीन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये भी इक्वली डिवाइडेड नहीं माने जाएंगी। उसने अपने इसी आइडिया को आगे बढ़ाकर जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी थी स्टूडेंट्स, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी जो कि 1900 में बनी थी, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोल्शेविक पार्टी एंड मेंशेविक, दो ग्रुप्स में इसको बना दिया। सोशलिस्ट जो रिवोल्यूशनरी पार्टी थी पीजेंट के, जो हक की बात जिसमें होती थी, तो बोल्शेविक पार्टी को लीड किया स्टूडेंट्स व्लादिमीर लेनिन, बोल्शेविक पार्टी का जो खुद उसमें जो डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी इसी में जो है इंक्लूड हो गई, लीड बाय लेनिन। तो इसमें उसका मानना था बोल्शेविक पार्टी में वो लोग इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं जो कि बिल्कुल डिसिप्लिन्ड हो और जो कि अपना जो पार्टिसिपेशन करते हो देश की अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए, और जो ये चाहते हैं उनके पास जमीन हो और वो जो है पूरी तरह से इंक्लूडेड है इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। डिसिप्लिन पीपल जो है होने चाहिए, डिसिप्लिन Only discipline can come in this party, Bolshevik party में only disciplined people जो है आ सकते हैं, उसमें participate ले सकते हैं, लेकिन Menshevik party को जो लोग lead कर रहे थे, जो कि normal people थे,
जो पीजेंट्स थे, वर्कर्स थे, जो कि ज़्यादा अमीर लोग नहीं थे और जो कि लो लेवल के थोड़े लोग थे, और जो चाहते थे कि जो समाज ऐसा बने कि बराबरी का सबको अधिकार हो। तो इसमें एनी सिटीजन कैन कम इन दिस पार्टी, जो भी व्यक्ति इस पार्टी में हिस्सा लेना चाहे वो पार्टी में हिस्सा ले सकता है। इस तरह से जो है रशिया की जो सोसाइटी थी वो टू ग्रुप्स में डिवाइडेड हो गई, बोल्शेविक और मेंशेविक। अब टॉपिक आता है स्टूडेंट्स 1905 की रिवॉल्यूशन का, जो कि वो रिवॉल्यूशन जो कि रशिया में एमर्ज हुई थी, ये बच्चों हम कल पढ़ेंगे। इतना पार्ट आप ध्यान से इसको पढ़िएगा और इसके नोट्स भेजूंगी बच्चों, आप वो लिख के लर्न करिएगा।